हेयर स्टाइल ही बिगड़ गया अपन का तो। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और जैसा कि मेरी वीडियो का टाइटल आप सबने देख ही लिया होगा, ये एक एवरीडे मेकअप लुक की वीडियो। और ये ना मेरा एक्चुअल में एवरीडे मेकअप लुक है। चाहे मुझे अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाना हो, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना हो, या किसी भी रीज़न की वजह से मुझे बाहर जाना हो और मुझे मेकअप करना हो, तो मैं एक्चुअल में जेन्युइनली यही सारे स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। ना कोई स्टेप कम, ना कोई स्टेप ज़्यादा। और इसको अचीव करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लेता है। बाकी आप इसको और ज़्यादा जल्दी भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। और अगर आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है अपने बालों को पीछे कर लेना कान के, या फिर इसको संभाल लेना क्लिप की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से। तो मैं इसके बाद लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइज़र। ये है जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइज़र और मुझे बहुत कम मॉइस्चराइज़र सूट करते हैं, तो ये अच्छा ही है मेरे लिए। आप लोगों को जो भी मॉइस्चराइज़र आपके स्किन के अकॉर्डिंग सूट करता हो आप लोग वही यूज़ कीजिएगा, और अब ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि स्किन को प्रेप करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मेरा मॉइस्चराइज़र हो चुका है, इसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी ये एक्वालॉजिका की दुई सनस्क्रीन, ये येलो कलर वाला वेरिएंट। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी सनस्क्रीन है, बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, बिल्कुल भी स्वेटी स्वेटी सी चिपचिपी सी नहीं लगती है। तो यस, इसको मैं अच्छे से अपनी फिंगर्स पर पहले लगा लूँगी, उसके बाद आई विल जस्ट रब इट एंड अप्लाई डायरेक्टली ऑन टू माई फेस। इसी के साथ मेरी स्किन प्रेप हो चुकी है। मैं इसके अलावा और कोई स्टेप फॉलो नहीं करती हूँ अपने एवरीडे मेकअप लुक या किसी भी मेकअप लुक में। कभी कभार एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है, बट या दैट्स इट। अब चलिए चलते हैं मेकअप स्टार्ट करने अपना। तो जो फर्स्ट स्टेप मैं फॉलो करती हूँ वो है एक पीच करेक्टर, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, मुझे काफ़ी टाइम से डार्क सर्कल हैं और ये ठीक ही नहीं होते हैं। तो टू हाइड इट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एल ए गर्ल प्रो कंसील पीच करेक्टर। And I just blended with help of my fingers, क्योंकि everyday makeup look है यार, इतने झंझट नहीं होते हैं मुझसे, मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना होता है। तो कोई ब्रश नहीं, कोई ब्लेंडर नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीच करेक्टर लगाने से ही मेरे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल कवर हो चुके हैं। इनफैक्ट मुझे कंसीलर की नीड भी नहीं है, बट क्योंकि ये पीच करेक्टर है तो मैं कंसीलर को ज़रूर लगाऊंगी टू हाइड दैट पीचीनेस। और सबसे पहले उसके पहले मैं क्या करती हूँ, मैं लगाती हूँ अपना थोड़ा सा ये लूज पाउडर। ये है मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर, मेरा जो शेड है उसमें है 15 लाइट। मैं बहुत थोड़ा सा लेती हूँ क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट लगाना है मुझे इसके बाद, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाए। मैंने एकदम थोड़ा सा लिया और मैं बस उसको हल्का सा ऐसे लगा लूँगी, दैट्स इट। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी, आजकल मुझे ये वाला कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये है लॉरियल का इनफैलिबल फुल वियर कंसीलर। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली बिल्ड कर सकते हैं, आपको कम कवरेज चाहिए कम ले सकते हैं, और ये फुल कवरेज भी देता है आपको। तो मैं यही वाला कंसीलर यूज़ करूँगी, मेरा जो शेड है इसमें वो है 312 एम्बर। तो आई विल जस्ट डॉट इट अप, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि फुल वियर कंसीलर है और ये थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट भी देता है। सो यस गाइस, आई एम डन ब्लेंडिंग माई कंसीलर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल लुक आ रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाया था क्योंकि ये मेरा नेचुरल और एवरीडे मेकअप लुक है, तो मुझे ज़्यादा कंसीलर की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। तो अब मैं फिर से यूज़ करूँगी अपना फिट मी का लूज पाउडर टू सेट माई कंसीलर, ताकि कोई क्रीज ना हो। गाइस मेरा पाउडर भी हो चुका है, अब मैं थोड़ी सी अपनी आईब्रोज फिल करूंगी क्योंकि आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा पतली लग रही हैं और अच्छी नहीं लग रही। उसके लिए मैं यूज़ करूंगी अपना ये एसेंस का आईब्राउ जेल, ये है एक ब्राउन शेड में, क्योंकि ब्राउन शेड बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है, ब्लैक में एकदम से जेट ब्लैक बहुत ही अजीब और अननेचुरल लगती है पर्सनली मुझे। तो मैं ये ब्राउन शेड यूज़ करूँगी जस्ट टू फिल इन माई आईब्रोज।
तो मैंने अपनी आईब्रोज भी फिल कर ली हैं और अब ये कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, मुझे थोड़ी फुलर इफेक्ट दे रही हैं। तो यस, अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ जो कि है मेरा ब्लश लगाना। ब्लश के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लश ओनली। ये है के बाय कैटरीना का, मतलब के ब्यूटी का ब्लश इन द शेड सॉफ्ट न्यूड। ये एक्चुअली में बहुत प्रिटी शेड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट शेड है। इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये काफ़ी देर तक स्टे भी करता है। थोड़ा सा ही लूँगी। इसी के साथ मेरा ब्लश भी लग चुका है एंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ये जो लैक्मे का है, ब्राउन कलर का काजल है, इसको थोड़ा सा लेती हूँ और इसको अपनी आईलिड्स पे लगा लेती हूँ जस्ट टू गिव दैट ब्राउन स्मोकी इफेक्ट। बस ऐसे लगा लूँगी, अनइवनली लगा लूँगी। नाउ आई विल टेक अ ब्रश लाइक दिस, थोड़ा सा एंगुलर ब्रश है, एंड आई विल जस्ट स्मज इट आउट। आप स्मज ब्रश भी ले सकते हो, स्मजर ब्रश बोलते हैं शायद उसको, हाँ जी वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने अपनी दोनों आईज पे काजल लगा लिया और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा लुक दे रहा है। तो फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू यूज़ दिस आई लैश कर्लर टू कर्ल माई लैशेज। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा, ये भी काफ़ी अच्छा मस्कारा है। मैंने अपना मस्कारा भी लगा लिया है और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेंथ और वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, और मैंने सिर्फ इसकी सिंगल कोट ही लगाई है। तो हाँ, आप लोग डेफिनेटली इस मस्कारा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फॉर द लास्ट स्टेप आई एम गोइंग टू अप्लाई माई लिपस्टिक एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लैक्मे की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड न्यू ट्विस्ट। सो इसी के साथ मेरी लिपस्टिक भी लग चुकी है और मेरा एवरीडे मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। मैं सच में आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा एक्चुअल में यही सारे स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ अपनी रूटीन बेसिस के एवरीडे मेकअप लुक के लिए। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो मेरा ये एवरीडे मेकअप लुक, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ओके बाय।